हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सरला क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप के बारे में बताने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप, यूज करना तो बहुत ही ज्यादा सामान्य है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिसके थ्रू आप उसको यूज करके बहुत ही अच्छे रीडिंग्स है या फिर जो ऑस्कल्टेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक स्टेथोस्कोप है, ठीक है। ये है आपका स्टेथोस्कोप, मेडिलाइन का स्टेथोस्कोप है ये, ठीक। ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम स्टेथोस्कोप कैसे लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ये जो बाहर वाला इस तरह से झुका वाला एरिया है ना, उसको हम लगाते हैं। और ये बहुत ही सही नहीं है इस तरीके से सिर्फ इसको लगाना। अगर हम लगाएंगे तो हम इस तरीके की जो पीछे वाला पार्ट है उसको यूज करना चाहिए हमेशा लगाने के लिए, जो झुका पार्ट है उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अगर इस आप खुद लगा करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या आपको अंतर समझ में आता है। अगर मैं झुके वाले पार्ट को लगाती हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं टैप करके देखती हूँ तो सिर्फ मेरे को लेफ्ट साइड में ही आवाज आ रहा है, राइट साइड में आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को अगर पलट कर लगाती हूँ, ठीक है, जो झुका वाला एरिया है उसको ना लगाकर मैं इस तरीके से अगर लगाऊंगी तो इसमें मुझे, मैं टैप करके देखती हूँ, इसमें मुझे दोनों तरफ से आवाज है वो बहुत अच्छे से आ रही है, उसका साउंड भी बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है। ये तो था सबसे फर्स्ट कि हम स्टेथोस्कोप को कैसे यूज करें कि हमको जो ऑस्कल्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो झुका वाला दोनों सामने पार्ट है वो जो दिखाई दे रहा है उस वाले एरिया को यूज ना करके ये इस वाले पार्ट को यूज करें, जिधर झुका नहीं है उस एरिया को आप यूज करें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यूज करना है ये स्टेथोस्कोप। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेरियस ऑर्गन्स को ऑस्कल्टेट करने के लिए या सुनने के लिए हम कहाँ कहाँ पर बॉडी में प्लेस करेंगे स्टेथोस्कोप को, जिससे कि जो साउंड है या ऑस्कल्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। दोस्तों मैंने इस स्टेथोस्कोप के पार्ट के बारे में पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की डेमो और लेक्चर से रिलेटेड वीडियो, मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि हम वेरियस ऑर्गन्स को कैसे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही थी कि वेरियस ऑर्गन्स को हम कैसे ऑस्कल्टेट करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप सही तरीके से अपना स्टेथोस्कोप लगा लीजिए और उसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद ये ऑन हो गया, आप चेक कर लिए। फिर अगर हमें लंग्स सुनना है तो हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, तो आपको पता है कि लंग्स कहाँ पर होता है, तो लंग्स यहाँ और यहाँ यहाँ तक होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सुनना है, यहाँ लंग्स सुन सकते हैं। यहाँ पर एरिया होता है आपका स्टमक का, तो आप यहाँ पर स्टमक को सुन सकते हैं, यहाँ पर प्लेस करके इसे यहाँ पर थोड़ा दबाइए और उसको सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है कोलन, ये पीछे, ये सामने की तरफ होगा जो स्टमक है वो, यहाँ पर होता है कोलन और इधर भी होता है कोलन। इसको आप इस तरीके से साइड पे रखकर सुन सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड आपका कोलन आएगा, पीछे अगर देखे तो इधर से भी आपको आप लंग साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। आपको जो सामान्य ब्रीदिंग है वो सुनाई देगी, यहाँ आप दोनों साइड इधर सुन सकते हैं। ये एरिया जो होता है आपका डायफ्राम वाला एरिया होता है, यहाँ पर ये मसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ सुनना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर स्टमक यहाँ है, यहाँ आपका होता है ट्रैकिया, ठीक है, इसोफेगस ट्रैकिया यहाँ पर, तो ये लंग्स के पार्ट में आ जाते हैं। आप इसमें अलग अलग साउंड को सुन सकते हैं, रोचाई साउंड अगर प्रॉब्लम होगी पेशेंट को और एबनॉर्मल ब्रीदिंग के जो साउंड है वो सुनाई दे सकते हैं।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए सरला क्लासेस चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।